हेलो एवरीवन, आज है 22 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, काफी ज्यादा चर्चा में रहा है ये शेयर। एक बहुत बड़ी गिरावट भी देखी, बाद में एक बड़ा बाउंस बैक भी देखा, एक बहुत बड़ी रैली देखी, 3 गुना पैसा कर दिया, लेकिन बाद में वही पैसा इन्होंने गंवा भी दिया। एक बहुत बड़ी गिरावट भी पिछले कुछ दिन से यहाँ पर चल रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब 8.5 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, जब आज भी 3% का ग्रोथ देखने को मिला है, तो क्या खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 8.5 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में वोडाफोन आइडिया में 15% की हमें गिरावट देखने को मिली है। 11 रुपए से ये शेयर कंटिन्यूअस टूट रहा है, और 2 दिन से एक बहुत बड़ी गिरावट भी यहाँ पर आई थी, क्योंकि इनकी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, और हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को काफी ज्यादा झाड़ा गया है उनकी तरफ से, और उनको बताया गया है कि देखो कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई नई हियरिंग नहीं होगी, कोई राहत आपको नहीं मिलेगी, कर्जा चुकाने के लिए कितना वक्त आपको दिया जाएगा उसके बारे में हम आपको अगली हियरिंग में बताएंगे। तो 10 अगस्त को अगली हियरिंग है, और उस अगली हियरिंग में कितना वक्त दिया जाएगा इनको कर्जा चुकाने के लिए, उसको लेकर चुकाता डिसीजन आने वाला है, उसके ऊपर नजर जरूर रहेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो एक महीने में 15% का नुकसान जरूर किया है इन्होंने। एक साल की अगर हम बात करें तो 20% की गिरावट है। आप देख सकते हैं कि कहां 10 साढ़े 10 रुपए के ऊपर शेयर था, गिरावट आई, एक बड़ी रैली आई, ठीक है, फिर वापस बड़ी गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ी रैली। आप खुद देखिए, यहाँ पर 3 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में 11 रुपए तक पहुंच जाता है, लेकिन वापस फिर से यहाँ पर गिरावट आती है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करें तो ये वो वक्त था जहां पर मैंने आपको वोडाफोन आइडिया से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन जब शेयर यहाँ पर 5 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था तब मैंने आपको बाइंग की भी एडवाइस दी थी, क्योंकि कोविड के वक्त में बहुत सारी कंपनियों को जहां नुकसान हो रहा था वहां टेलीकॉम कंपनी मुनाफा कर रही थी। तो 5 रुपए के आसपास मैंने बाइंग की एडवाइस दी थी, और मैंने ये भी कहा था कि अगर शेयर यहां से 9-10 रुपए तक पहुंच जाता है तो मुनाफा वसूली कर लेना। वापस शेयर 8 रुपए तक गया, अगेन मैंने वीडियो बनाया तो मैंने कहा था कि अब अगर 1-2 रुपए और बढ़े तो आप मुनाफा, आप यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। जब शेयर 10 रुपए तक पहुंचा तब मैंने आपको कहा था कि अब वक्त आ चुका है कि आप इस शेयर को बेच कर निकल जाओ। अगर आप चाहे तो मेरे चैनल को वहां पर देख सकते हो, जो मेरे पिछले वीडियोस थे, मैंने कहा था कि अब आप यहां से एग्जिट कर लो। इवन जब शेयर 11 रुपए तक पहुंच गया था तब भी मैंने वीडियो बनाया था, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि अब निकल लो यहां से, अब गिरावट आ सकती है, क्योंकि अगर आप नहीं बेचोगे तो बाकी लोग बेचेंगे जिन्होंने 3 रुपए पर, 4 रुपए पर, 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए पर खरीदारी की थी, और शेयर नीचे जरूर गिरेगा। और जब हियरिंग होगी कोर्ट की तब तो गिरावट आनी तय है, और पिछले काफी वक्त से जब शेयर 11 रुपए तक पहुंच गया तब से लेकर अब तक मैं कब से कंटिन्यूअस 10 रुपए के ऊपर, 11 रुपए के ऊपर से मैं आपको बेचने की सलाह दे रहा हूँ। लेकिन अब जब शेयर इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी है, 8.5 रुपए तक आ चुका है, तब जरूर इसको रिव्यू करना बनता भी है कि क्या अब यहाँ पर बेचना सही रहेगा कि नहीं, और खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, उसके बारे में हम बात करें। उससे पहले आप देखिए, यहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक है ये, 24,450 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो आज काफी ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड था, 50 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला था। शेयर होल्डिंग में अगर आप देखें तो 18% से होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 8.82% की होल्डिंग एफआईएल के पास है, 4.52% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 1.34% होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर यहां पर है ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इनके पास 11.55% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 51 म्यूचुअल फंड्स कितने पैसा लगाया, 212 जितने एफआईएस यहां पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर की बात की तो फ्रैंकलिन इंडिया फोकस इक्विटी फर्म है, जिनके पास 1.10% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.48% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। डिविडेंड आखिरी बार 2016 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी इन्होंने पे नहीं किया है। वोडाफोन आइडिया के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी कुछ खास अच्छी नहीं है, रीजन साफ साफ है। जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई रिकैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से बोला गया था कि वोडाफोन आइडिया कि भैया आपका जो कर्जा है वो तकरीबन 58,000 करोड़ है, 58,000 करोड़, जिसमें से इन्होंने तकरीबन 7,000 करोड़ या 7.5 करोड़ का
जो पैसा है वो इन्होंने चुकाया है। अभी भी 50,000 करोड़ वोडाफोन आइडिया को चुकाने हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया का ये तर्क था, वो हियरिंग थी, कि वो चाहते हैं कि इसका रिकैलकुलेशन किया जाए। उनके हिसाब से ये जो कर्जा है वो 50,000 करोड़ नहीं है, बल्कि 20 से 21 हजार करोड़ है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी फटकार लगाई कि टेलीकॉम कंपनीज को, उसमें वोडाफोन आइडिया भी शामिल है, एयरटेल भी शामिल है, और कहा है कि जो बकाया है वही आपको देना है, कोई रिकैलकुलेशन यहाँ पर नहीं होने वाली है, और अगर आप दोबारा ऐसी गलती करेंगे तो हम आपको जेल में डालने तक को भी तैयार है। तो काफी सख्त शब्दों में टेलीकॉम कंपनीज को यहाँ पर हिदायत दे दी गई है कि कोई रिकैलकुलेशन यहाँ पर नहीं होगी। उसके साथ साथ बैंक ने, मतलब कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर रहे हो। अगर आप इनकी बैलेंस शीट को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लॉस यहां पर है, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस देखने को मिलेगा। 11,000 करोड़, 6,500 करोड़, 50,000 करोड़, 5,000 करोड़, 5,000 करोड़, सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको लॉस देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कोर्ट ने कुछ सवाल भी पूछे कि आप कुछ जब आप पैसा कमा ही नहीं पा रहे हो तो हम कैसे मान ले कि आप ये पैसा चुका दोगे, हमको गारंटी चाहिए कि आप पैसा चुका सकते हो। कोर्ट ने इनसे बैंक की गारंटी मांगी है और वोडाफोन आइडिया बैंक की गारंटी नहीं दे पा रहा है। बैंक वो स्पेक्ट्रम की गारंटी देने को तैयार है लेकिन कोर्ट ने वो मान्य नहीं रखा है। कोर्ट ने इनसे बैंक गारंटी मांगी है, बैंक गारंटी कोर्ट ने इनसे मांगी है। उसके साथ साथ आप देखिए सीएलएसएन ने भी डाउनग्रेड किया है। हियरिंग के बाद जो कोर्ट की जो हियरिंग आई थी उसके बाद सीएलएसएन ने भी इनकी जो रेटिंग्स है उनको डाउनग्रेड कर दिया गया है। तो कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। और अभी भी कंपनी का अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो 50,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं सरकार को, 50,000 करोड़ चुकाने हैं इनको सरकार को। तो वो बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है, और ये चुका पाएंगे कि नहीं वो सबसे बड़ा सवाल है, और कितना इनको वक्त दिया जाएगा वो भी सवाल है। हालांकि वोडाफोन आइडिया ने पहले पैसा चुकाने के लिए 20 साल का वक्त मांगा था, लेकिन अब कोर्ट में उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट हमको 15 साल का वक्त दे दो, 15 साल का वक्त दे दो। और दूसरी चीज यहाँ पर है कि मुझे लगता है कि इनको वक्त दे दिया जाएगा, लेकिन 15 नहीं, 10 साल का वक्त दिया जाएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वोडाफोन आइडिया को पैसा चुकाने के लिए 10 साल का वक्त मिल सकता है, पहली चीज। लेकिन कोर्ट जो है वो इनसे बैंक गारंटी मांग सकती है, तो कौन सी बैंक इनको गारंटी देती है वो यहाँ पर सबसे बड़ा सा सवाल, क्योंकि एक बहुत बड़ा कर्जा है। ठीक है, कोई भी बैंक इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं होगा, और कोर्ट इनसे बैंक गारंटी मांग ही रही है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या हियरिंग आती है आने वाले दिनों में 10 अगस्त को। तब तक इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट जरूर होगा। मुझे लगता है कि थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो ऑपरेटर्स है वो थोड़ा सा यहाँ पर गेम खेल सकते हैं इसको ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि जनरली इसके बाद ये नीचे जाना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचिए कि वोडाफोन आइडिया जिन चीजों के ऊपर लड़ रही थी वही यहाँ पर उनकी फुलफिल नहीं हो पा रही है। जैसे कि पहली चीज कि भैया रिकैलकुलेशन करो, बैंक ने साफ मना कर दिया। दूसरी चीज, हमको वक्त, हम बैंक गारंटी नहीं दे सकते, बैंक ने खुद बोला कि आप, सॉरी, कोर्ट ने खुद बोला कि आपको यहाँ पर बैंक गारंटी देनी ही है, हमें आप पर भरोसा ही नहीं है। कोर्ट ने खुद बोला कि हमें आप पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, और वो कोर्ट ने यहाँ पर बताया कि कौन है जो इस कंपनी को चला रहा है इतने नुकसान के बावजूद भी। तो काफी कुछ सवाल है, थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो सकता है इसके ऊपर, और 10 तारीख को पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पर चूहे बिल्ली का थोड़ा सा खेल चलेगा, अप एंड डाउन वाली गेम चलेगी, लेकिन फिर भी अभी के दौर में शायद थोड़ा सा हाईली रिस्की है। मुझे लगता है कि अभी भी नीचे टूट सकता है, तो मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन जिन्होंने खरीदारी की है बड़े लेवल पर वो चाहे तो अभी भी यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा न्यूज ड्रिवन स्टॉक है ये। अगर अच्छी न्यूज आ जाएगी तो वापस शेयर दौड़ना शुरू कर जाएगा, पूरा का पूरा न्यूज ड्रिवन ये शेयर है। तो देखने वाली बात होगी क्या हियरिंग में चुकादा आता है, क्या इनके नतीजे आते हैं हियरिंग में। तो न्यूज ड्रिवन है, तो मैं रिटेल निवेशक को तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन खरीदारी की हुई है और नुकसान में हो तो आप बने रह सकते हो, यहाँ पर बेचने की जरूरत भी नहीं है ऐसे सिचुएशन में। वेट करो कि क्या डिसीजन आता है कोर्ट का, उसी के ऊपर पूरा का पूरा फ्यूचर डिपेंडेंट है। मुझे लगता है कि अभी भी
इनको शायद 10 साल का वक्त दिया जा सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो खरीदारी करने की सलाह, फ्रेश बाइंग करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। खरीदारी की हुई हो और लॉस में हो तो ही बने रहो, वरना बने रहने की भी सलाह नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।